गुड इवनिंग। शाम का 8 बज चुका है और मैं देव जुनेजा आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मॉर्निंग दोपहर में 2 बजे के सेशन में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था कैन। आपने इस वीडियो को जरूर देखा होगा, एंजॉय भी किया होगा और लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा, इसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और उसी कैन के ऊपर आज मैं आपको होमवर्क दूंगा और एक स्टोरी बनवाऊंगा जिससे आपकी बेसिक का रिविजन हो जाएगा और आप अपनी स्पीकिंग को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बैक की वीडियो जरूर देखिए, और साथ ही में और जो लोग ऑलरेडी पहले से वीडियोस देखते आ रहे हैं वो जो स्टोरी और होमवर्क है उसे कंप्लीट करें। जो स्टूडेंट्स मेरे बैच में आते हैं दैट इज वेरी गुड, वो चेक करा लेंगे। जो नहीं आते हैं वो व्हाट्सएप पे मुझे भेजेंगे, उनको मैं चेक करके उसका रिवर्ट कर दूंगा। कल भी मेरे पास लगभग 12 स्टूडेंट्स ने जो बाहर के थे मुझे मैसेजेस किए थे, फॉरवर्ड मुझे किए थे होमवर्क करके, और मैंने चेक करके उनको रिवर्ट भी किया था। उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। ये कमेंट आपका बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। उस कमेंट से मुझे ये फील होगा कि जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले मैं स्टोरी बनाऊंगा, फिर मैं आपको 5 एक्शंस दूंगा नए, उसकी आपको मीनिंग बताऊंगा और फिर सेंटेंस दूंगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी, लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी इस प्रकार है, संडे को जब भी कोई दिन लगाते हैं उसके पहले लगाते हैं ऑन। मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं पहले, कोई भी दिन के पहले आते हैं ऑन, जैसे कि ऑन संडे। तो संडे को मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, उसके बाद मैंने फोन रिसीव किया। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा तुम कैसे हो, मैंने कहा मैं ठीक हूं धन्यवाद, तुम कैसे हो? तो उसने कहा, यानी कि ही, वो ही है, उसने कहा कि मैं भी ठीक हूं। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं मूवी थिएटर जा रहा हूं, मैं थिएटर जा रहा हूं, तो क्या तुम चलोगे? तो मैंने कहा कि मैं मूवी नहीं जा सकता क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, इसको बोलेंगे माय एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। जो भी चीज पहुंच में होती है, जैसे होली आ रही है तो होली इज अप्रोचिंग, दिवाली आ रही है दिवाली इज अप्रोचिंग, मेरा बर्थडे आ रहा है माय बर्थडे इज अप्रोचिंग, और मेरे एग्जाम्स, और एग्जाम एक नहीं होता, एग्जाम कई सारे होते हैं, तो एग्जाम इसका हो जाएगा आर, तो माय एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। ठीक, तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, माय फ्रेंड पूछा कि क्या तुम मूवी चलोगे? तो मैंने कहा कि मैं मूवी नहीं जा सकता, अब यहाँ कैपेसिटी आ गई, ध्यान दीजिएगा, मैं मूवी नहीं जा सकता क्योंकि बिकॉज मैं पढ़ रहा हूं, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा तुम्हारी जैसी मर्जी, मैंने कल आपको दिया था एज यू विश। उसके बाद मैंने फोन काट दिया, मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम लंच करोगे? तो मैंने कहा मैं लंच नहीं करूंगा क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। उसके बाद लगभग 2 घंटे के बाद, यानी कि बात को बोलते हैं आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने पढ़ाई कर ली? तो मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ाई कर ली, अब मुझे भूख लगी, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ये एक प्रोवर्ब है, ये कहावत है, हम लोग बोलते भी मेरे पेट चूहे कूद रहे हैं, इसको बोलते हैं आई फील पैंग ऑफ हंगर, आई फील FEEL फील पैंग PANG पैंग ऑफ हंगर HUNGER, आई फील पैंग ऑफ हंगर, मतलब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो मैंने मम्मी से कहा कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, आई फील पैंग ऑफ हंगर। तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मैगी खाओगे? तो मैंने कहा कि आप जानती हो, अब आप जानती हो मतलब काम जिंदगी में शामिल है, आप मेरे लिए कौन है? यू, और जानने को बोलते हैं नो, तो आप जानती हो यू नो कि मैं मैगी नहीं खाता हूं, अब काम जिंदगी में शामिल नहीं है, समय को पहचान के ही सेंटेंस बनाइएगा। तो मैं मैगी नहीं खाता हूं इसलिए मैं मैगी नहीं खाऊंगा, लेकिन कॉफी के साथ चौमिन चलेंगे। अब चलेंगे, हम लोग अक्सर बोलते हैं चाय चलेगी, कॉफी चलेगी, डोसा चलेगा, तो चलेगी क्या जाता है विल डू, जैसे कि चाय चलेगी तो टी विल डू, कॉफी चलेगी कॉफी विल डू, कोल्ड ड्रिंक चलेगी कोल्ड ड्रिंक विल डू, चाय चलेगी टी विल डू, और चाय के साथ चौमिन चलेंगे तो टी एंड चौमिन विल डू। तो मैंने मम्मी से कहा कि चाय के साथ चौमिन चलेंगे। उसके बाद मेरी मदर ने चाय और चौमिन बनाए, उसके बाद मैंने चाय और चौमिन खाए, उसके बाद मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद अपने परिवार से बातचीत करी, और उसके बाद मैं सो गया। ये स्टोरी किस प्रकार थी, एक दिन मुझे मेरे दोस्त ने कॉल किया, संडे को दोस्त ने मुझे कॉल किया, सबसे पहले उसने मुझसे पूछा कैसे हो देव, मैंने कहा मैं ठीक हूँ धन्यवाद, आप तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं मूवी थिएटर जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे?
तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। उसके बाद उसने कहा तुम्हारी ऐसी मर्जी, और मैंने फोन काट दिया। फोन काटने को बोलते डिस्कनेक्ट, सेकंड फॉर्म डिस्कनेक्टेड, मैंने फोन काट दिया। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने, मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम कुछ खाओ, कुछ खाओगे? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। उसके बाद 2 घंटे के बाद मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम पढ़ाई कर चुके हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं पढ़ाई कर चुका हूं, अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, आई फील पैंग ऑफ हंगर। उसके बाद मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मैगी खाओगे? तो मैंने कहा कि मैं मैगी नहीं खाऊंगा, आप जानती हो कि मैं मैगी नहीं खाता हूं। लाइफ मिक्सअप पूरी ध्यान रखिएगा, मैं मैगी नहीं खाऊंगा क्योंकि बिकॉज आप जानती हो कि मैं मैगी खाता ही नहीं हूं, लेकिन चाय और चाउमीन चलेंगे। उसके बाद मेरी मदर ने चाय और चाउमीन बनाए, मैंने खाया, उसके बाद मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद मैं सो गया। ठीक है गाइस, तो ये स्टोरी थी, इसमें कुछ वर्ड्स भी मैंने आपको दिए, जैसे कि आई फील पैंग ऑफ हंगर, माय एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, यू नो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, आई नो आप जानते हैं, यू नो जो वर्ड्स मैंने दिए हैं, इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा और स्टोरी में इस्तेमाल भी करिएगा। अब गाइस कुछ सेंटेंस कैन के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। उस सेंटेंस को बनाने के पहले मैं कुछ एक्शंस आपको दे रहा हूँ, जैसे कि एक एक्शन है फेस प्रॉब्लम, समस्या का सामना करना। ठीक, इसके ऊपर सेंटेंस बनाते हैं। क्या आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? मैं प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ। क्या दुर्गेश प्रॉब्लम फेस कर सकता है? दुर्गेश प्रॉब्लम फेस कर सकता है, लेकिन खुशबू प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकती है। सेंटेंस नंबर वन, ठीक, तीनों का एक ही में आ गया है। क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? मैं कर सकता हूं। क्या दुर्गेश कर सकता है? दुर्गेश कर सकता है, लेकिन खुशबू नहीं कर सकती है। सेंटेंस नंबर वन, आज मैं सेंटेंस दूंगा आपको 5, इसमें तीनों के डूअर इन्वॉल्व रहेंगे, आई भी, ही भी, शी भी। सेंटेंस नंबर टू, एक एक्शन मैं आपको दे रहा हूं, लिफ्ट अप 50 kg, यानी कि 50 किलो का वजन उठाना, उठाने को बोलते हैं लिफ्ट अप, तो लिफ्ट अप 50 kg। तो क्या आप 50 किलो का वजन उठा सकते हैं? मैं उठा सकता हूं। क्या जसवंत उठा सकते हैं? जसवंत उठा सकते हैं, लेकिन प्रीति नहीं उठा सकती है। क्लियर हो गया सेंटेंस नंबर टू। अब तीसरा एक्शन जो मैं आपको दे रहा हूं, वो दे रहा हूं ब्रेक लॉ। लॉ बोलते हैं कानून को, कानून तोड़ना, ठीक, ब्रेक द लॉ। क्या आप कानून तोड़ सकते हैं? BREA के ब्रेक, LAW लॉ। क्या आप कानून तोड़ सकते हैं? मैं कानून नहीं तोड़ सकता हूं। क्या अमन कानून तोड़ सकते हैं? अमन कानून नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन श्वेता कानून तोड़ सकती हैं। यह आपको आ गया सेंटेंस नंबर 3। अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4 की। वो एक्शन आपको मैं नया दे रहा हूं, क्लाइंब माउंटेन, चढ़ने को बोलते हैं क्लाइंब। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया भी था, CLIMB क्लाइंब, और माउंटेन बोलते हैं पहाड़ों को, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ना, क्लाइंब ऑन माउंटेन्स। ठीक, तो क्या आप पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं? हाँ, मैं चढ़ सकता हूं। क्या अविरल पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं? अविरल पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन प्रिया पहाड़ों पर चढ़ सकती है। क्लियर, ये आपका हो गया सेंटेंस नंबर 4। अब गाइस आपको मैं एक्शन एक और दे रहा हूं, पेड़ लगाना। पेड़ों को पानी देने को बोलते हैं वाटर द प्लांट्स, और पेड़ लगाने को बोलते हैं प्लांट द प्लांट्स। प्लांट भी एक्शन है और प्लांट्स भी एक्शन है, लेकिन लगाने को बोलते हैं प्लांट और पौधों को भी बोलते हैं प्लांट्स, तो प्लांट द प्लांट्स। तो क्या आप पौधा लगा सकते हैं? हाँ, मैं पौधा लगा सकता हूं। क्या अविचल पौधा लगा सकता है? अविचल पौधा नहीं लगा सकता है, लेकिन अनन्या पौधा लगा सकती है। क्लियर, सेंटेंस नंबर 5। तो गाइस ये आपका होमवर्क है, 5 सेंटेंस प्लस एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसमें कुछ वोकैबुलरी मैंने आपको दी है। जितनी वोकैबुलरी मैंने इस वीडियो में आपको दी है, चाहे वो स्टोरी की हो, चाहे वो इसके एक्शंस मैंने आपको दिए हैं, उन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, सेंटेंस बना लीजिएगा, स्टोरी बना लीजिएगा, और मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, और जो मुझसे पढ़ने स्टूडेंट्स आते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में, वो आके चेक कराइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों की स्पीकिंग भी इंप्रूव हो जाए। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, गुड नाइट, नाइस टू सी यू।